गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश सहनी आज क्लास 10th में लेकर आए हैं मैथ में पॉलीनोमियल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं क्या चाहिए, बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। हम लोग जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, है ना। बहुपद से किस प्रकार क्वेश्चन आता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है ना। तो बहुपद जो है, जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्जाम में है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। कहती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, सब्जेक्टिव भी आती है, है ना। तो बहुपद हम लोग समझते हैं, बहुपद हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में, है ना। कुछ जो हम लोग बेस पढ़े थे उसमें, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन उसमें से भी क्या होता है, रिलेटेड से आता है, है ना। चलिए हम लोग बात देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं, है ना। अगर हम आसान भाषा में बोल देते हैं, है ना, तो एक या एक से अधिक पदों को क्या कहते हैं, बहुपद कहते ना है। और हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, देखो लिखा हुआ है कि ए जीरो कैची है, ए नॉट भी पढ़ते हैं इसको, ए जीरो भी पढ़ते हैं, कैची है, ए नॉट प्लस ए वन ठीक है एक्स। यानी कहने का मतलब कि इसमें पावर ही ना है, यानी किसमें एक एक पावर है ना। जब छुपा हुआ रहता है जिसमें एक पावर रहता ना, हाँ, तो इसीलिए इसे लिख सकते हैं ए वन जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए थ्री एक्स क्यू। और इसी तरह से जो है डॉट 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 का मतलब क्या होता है, इस तरह संख्या जो है अनंत तक गई है, कहाँ तक गई है, जो एक जो मान गया है कहाँ तक, एन तक। और क्या चीज है, एक्स एक्स मान जो है एन तक। रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक, यानी कि इसके रूप में रहेगा कोई भी बीजीय व्यंजक, तो क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। इसके रूप में यानी कि ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू डॉट डॉट एन एक्स पावर एन तक जाएगा, इस संख्या क्या कहलाएगा, बहुपद। क्या कहलाएगा, बहुपद। यानी किसके रूप में कोई भी पद रहेंगे तो बहुपद कहलाएंगे, बहुपद। जहां पर ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा, एन तक जा रहा। और वास्तविक संख्या है कि क्या चीज है, जो भी संख्या क्या चीज, वास्तविक संख्या। हम लोग संख्या पहले पढ़े दो प्रकार के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका मान क्या होता है, निश्चित। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका मान क्या होता है, यानी अनिश्चित हो जाता है। उसमें जो होता है कि इमेजिनरी नंबर आते हैं, रूट में माइनस वन माइनस में आते थे, कौन ला, काल्पनिक संख्या। ये संख्या क्या चीज होगा, वास्तविक संख्या। कौन है, जो भी इसमें एक्स का गुणांक है, क्या चीज है, वास्तविक संख्या है। और देखा हुआ देखिए, ए नॉट क्या चीज है, ए नॉट इक्वल टू क्या चीज है, जीरो। यानी कि एन का जो मान है ना लास्ट में, ये क्या चीज है, इसके बराबर, जीरो के बराबर नहीं है। फिर क्या चीज तथा एन क्या चीज, और ऋणात्मक पूर्णांक है, बताइए। और ऋणात्मक मतलब क्या होता है, कि ऋणात्मक संख्या नहीं है, क्या चीज है, धनात्मक है, क्या है, तो एन क्या चीज, और ऋणात्मक पूर्णांक है। और इसलिए जो है क्या चीज, बहुपद को हम क्या करते हैं, पी एक्स से सूचित करते हैं, है ना। हम पढ़े थे 9th क्लास में कि जो बहुपद में होते हैं चर और अचर राशि होते हैं, होता ना है, चर और अचर राशि। तो चर राशि किसे कहते हैं, बताइए। वो बहुपद हम पढ़े थे, इसको जानना जरूरी है, अचर और चर। अचर और चर राशि किसे कहते हैं, तो अचर राशि उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। अचर को हम बोलते क्या, कॉन्स्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर राशि ना है, अचर जिसे 1 2 3 4 5, ये ऐसी राशि जिसका मान क्या चीज है, निश्चित रहता है। जैसे दो है तो दो रहेगा, है ना, तीन रहेगा तो तीन रहेगा, एक रहेगा तो एक रहेगा, कौन सा राशि हो गया, अचर राशि। देखिए जो जितने भी 1 2 3 है ना, क्या चीज है, देखिए यहाँ पर जो है संख्या जो दिया हुआ है बीजीय व्यंजक में, ये है ना, यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर अचर है, क्या चीज है, अचर, क्या है, अचर। और अचर है और क्या चीज है, चर। अचर और चर के गुणांक जो योगफल होता है, क्या है, वही होता है बहुपद। क्या होता है, बहुपद। तो चर राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, ए बी सी डी में जो भी अक्षर है, ए बी सी चल जाए कहाँ तक ले, एक्स वाई जेड, ये सभी क्या चीज है, सभी क्या चीज है, चर है, क्या चीज है, चर। आपको यही दिखेगा कहाँ पर, जो बहुपद में जो भी दिखेगा आपको, ए बी सी दिखेगा या एक्स वाई जेड देगा। ज्यादा आपको बहुपद में क्या दिखता है, आपको मिलेगा एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा और जेड मिला, ज्यादा ज्यादा यही मिलता है। और ये भी मिलता है ना, ए बी सी जो अचर के रूप में गुणांक में रहता है। तो समझ में आया ना,
बहुपद किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में इसे याद कर सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पद हो तो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। हाँ देखिए, जो बहुपद को ना पी एक्स से सूचित करते हैं, यानी पी एक्स है ना, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि बहुपद क्या, जैसे मान लो पी एक्स बराबर 2x+3, ये भी क्या चीज़, एक बहुपद है, क्या है? बहुपद है। और एग्जाम्पल लेते हैं x² + 3x + 4, ये भी क्या चीज़, एक है बहुपद है। px = x³+2x²+3x-4, ये भी क्या चीज़, एक है, क्या चीज़ है? बहुपद है, क्या है? बहुपद है। तो समझ में आ रहा है ना, बहुपद किसे कहते हैं? तो जब एक या एक से अधिक पद मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद। या तुम बोल सकते हैं कि a₀+a₁x+a₂x²+a₃x³ बन जाता है, इसके रूप में कोई भी रहेगा क्या चीज, कोई भी बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इसमें जो भी है देखिए, जो a₀ a सब क्या चीज है, इसमें सभी का गुणांक है ना, किसे गुणांक है? अचर के, चर का, क्या चीज है? चर का गुणांक है। तो आपसे पूछ देगा, इसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ, आपसे पूछेगा बताइए जो पी एक्स बहुपद है इसमें एक्स का गुणांक क्या चीज है? तो 2 है, क्या 2 है। इसमें पूछेगा कि एक्स का गुणांक कितना है? 3 है। इसमें पूछेगा कि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2 है। तो क्या चीज हो गया? बहुपद के अनुसार। जो भी एग्जाम्पल हम देखे हैं, चर और अचर समझ में आ गया ना। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि बहुपद जो है, बहुपद है कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद जो है इसमें दो प्रकार से होता है, एक होता है पदों के अनुसार, एक होता है घातों के अनुसार, है ना। पदों के अनुसार क्या होता है? घातों के अनुसार। देख लेते हैं, चार आज समझ में आ गया ना। हाँ जो बहुपद का वर्गीकरण किया गया है, इसे समझिएगा, बहुपद का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका इसका है पदों के अनुसार, किसके अनुसार? पदों के अनुसार। और दूसरा क्या चीज होता है? घातों के अनुसार। बहुपद कितने प्रकार के हैं? दो तरह से बांट सकते हैं बहुपद का वर्गीकरण, पदों के अनुसार और घातों के अनुसार। पदों के अनुसार में हम लेते हैं, पहला इसमें होता है, सब लोग जानते होंगे, एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद। बी में लेते हैं द्विपदी बहुपद। सी में लेते हैं क्या चाहिए? त्रिपदी बहुपद। इसमें ले लेते हैं घातों के अनुसार ना, तो घातों में क्या ले सकते हैं? याद है किसी को, पढ़े थे 9th क्लास में ना, घातों के अनुसार बहुपद में इसको बोल देगा चाहिए एक घाती बहुपद। क्या कहते हैं? एक घाती, या बोल सकते हैं रैखिक, या रैखिक, रैखिक बहुपद। दूसरा नंबर देख लीजिए, इसमें क्या चीज होता है? द्विघाती। क्या होता है? द्विघाती बहुपद होता है ना। तीसरा में लेते हैं क्या चीज? त्रिघाती। क्या लेते हैं? त्रिघाती। चलिए त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो देखिए, जो बहुपद का वर्गीकरण है दो तरीकों से कर सकते हैं, पदों के अनुसार और क्या चीज, घातों के अनुसार। कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव इसी तरह दे देगा आपको, है ना, एग्जाम्पल में है 3 तक। और इसमें होता है शून्य हो जाता है, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, आगे बता देंगे। देखिए, पौधों के अनुसार जो बहुपद इसमें क्या चाहिए? एक पौधी। क्या चाहिए? एक पौधी। यानी एक पौधी बहुपद किसे कहते हैं? कि वैसी बहुपद जिसमें एक पद होता है। क्या होता है? केवल एक ही पद रहेगा, क्या रहेगा, है ना।
एक ही पद रहता है, उसमें क्या बोलेंगे हम, एक पद ही कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि रहेगा, इसमें एग्जाम्पल में रह सकता है 2x है ना, या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब। लेकिन सभी में कितना पद है, एक पद है ना। भले से देखिए दो गुना में है, तीनों देखिए अगर दो गुना में है तो दो को पद हो गया, नहीं ना। या तो इसको अलग कर सकते काजी से, जोड़ से कर सकते, या स्क्वायर कर सकते काजी से, माइनस से यानी कि घटाओ से। एक पद ही बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसी बहुपद जिसका जितना कह रहा था एक ही पद होगा, क्या होगा, एक ही पद होता है उसे क्या कहते हैं, एक पद ही बहुपद। द्विपद ही बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसी बहुपद जिसमें दो पद रहता है, क्या रहता है, दो पद रहता है। जैसे मान लेते हैं कि 2x + 2 है ना, x² + 2 या x³ + 3 है ना, कोई भी ले सकते हैं हम द्विपदी में। तो देखिए लिखा हो द्विपदी बहुपद, यानी कि पद इसमें जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, पद। इसी पद कैसे गिनेंगे हम, देखिए 2x गुना में है, देख रहा क्या करेंगे हम, एक ही गिने, क्या करेंगे, एक नहीं गिनेंगे, बोलिए। और द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसी बहुपद जिसमें दो पद होते उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपद देखिए, त्रिपद अच्छी है, तीन को पद रहेगा, रहेगा x² + 2x + 1 है ना। और ले सकते हैं x³ + 3x + 3 कितना पद आ गया, तीन पद है ना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव दे देगा, डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी, बताइए कि निम्न में से कौन सा त्रिपदी बहुपद है, तो ले लिखने का बढ़ा देता है। थ्री मतलब तीन को पद जुड़ा है, क्या जुड़ा है, पद। बचपन में खेलता ना पद दौड़, गोली से मार के कान खींच खींच के, तो पदों के अनुसार एक पदी बहुपद हो गया ना, ये क्या द्विपदी बहुपद हो गया, त्रिपदी है ना। एक बार पादेगा देखा होगा, एक पदी है ना, दो बार पादेगा था त्रि द्विपदी, तीन बार पादेगा था त्रिपदी। गोली खेलता ना कलजीपुर पूरा खेल है, तो पदों के अनुसार हो गया, क्या हो गया, पदों के अनुसार। समझिए कि बहुपद का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं, पदों के अनुसार और घातों के अनुसार। एक पद ही समझ जाएगा ना, जेकरा में एक पद रहेगा उत्पद हो जाएगा, जेकरा में दो पद रहेगा जो द्विपद हो जाएगा, और जेकरा में तीन रहता वो क्या हो जाएगा, हाँ बहुपद लिखा है, बहुपद दी यहाँ पर, ठीक है। देखिए पदों के अनुसार हो गया, क्या हो गया, घातों के अनुसार, क्या हो गया, देखिए घातों के अनुसार ये घाती है, क्या होता है, रैखिक घात, कहिए रैखिक बहुपद। इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीनों है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घाती किसे कहते हैं, वैसी बहुपद जिसका घात एक होता है, क्या होता है, घात एक होता है। तो इसको हम एग्जांपल में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो एक से एक घात होना चाहिए, तो 2x + 2 है ना। देखो इसमें, हेलो देखो यह घात क्या चाहिए, इसको यहाँ ध्यान देना, इसमें इसमें घात कितना है, एक है, कितना है, और घात कितना है, एक है। इसमें घात पर ध्यान देना, ठीक है, इसी बोले क्या चाहिए, रैखिक कहते हैं। इसका रूल क्या होता है, रूल इसे लिख सकते हैं कि ax + b जहाँ क्या चाहिए a ≠ 0, तो क्या हो जाएगा, एक घाती या बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद कैसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही घात होता है उसे घाती बहुपद कहते हैं, घाती ना है। और इसमें देखिए पद गिर रहे थे 1, 2, इसमें घात गिर रहा है, नहीं तो अगर हम दो घात है, एक हम तीन घात है, मगर क्या चाहिए, एक पद ही बहुपद है। इसमें देखो इसमें घात जोड़ना, घात इसमें पद के अनुसार, घात के अनुसार हो गया, इसमें घात कितना है, एक, तो क्या हो गया, कैसे हो गया, एक घाती। इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरह से ax + b जहाँ पर क्या चाहिए a ≠ 0। फिर आगे क्या, द्विघात बहुपद, क्या गया, द्विघात बहुपद, हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं px बराबर, क्या लिख सकते हैं, ax² + 2x + 3 इको, देखिए द्विघात। अब यहाँ देखो, देखो बतिया रहा है, इतना सीखना है, देखो यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या चीज हो जाएगा, द्विघात। देखिए द्वि लगा हुआ, द्वि मतलब दो, क्या है, दो। इसमें सबसे हम देखते हैं अधिकतम घात किसका है, तो दो ना है, तो क्या हो जाएगा, दो घात। इसको लिख सकते हैं इस तरह से ax² + bx + c बराबर क्या हो जाता है, 0 अगर लिखना तो लिख सकते हैं, px वाला लिखते हैं, बोलिए क्या होते हैं, ये क्या चाहिए, ax² + bx + c यानी कि देखो यहाँ पर a का गुणांक कितना, एक है, b का गुणांक 2 है, और c का मान कितना है, क्या हो गया, 3। ये समझ में आ गया ना, हाँ ये तीन को पद है,
अभी तुम समझ गया, तीन गो पद है, घात के गो है, दो गो। अगर मान लेंगे पद के अनुसार बांटेंगे क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा, है ना। और घात के अनुसार बांटेंगे तो दो द्विघात, क्योंकि सबसे अधिकतम घात दो है ना, है समझ में ना, पूरा वही समझ लेना है। और इसका देखो जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स है, व्यापक सूत्र है, क्या चीज है, व्यापक फॉर्मूला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। फिर क्या चीज, त्रिघाती बहुपद, क्या चीज है, त्रिघाती बहुपद। तो देखिये त्रिघाती में क्या रहेगा, तीन गो घात रहेगा, क्या रहेगा, तीन गो घात रहेगा। यानी कैसे लिख सकते हैं, थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस चार। देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, तीन है ना, तो क्या चीज हो जाएगा, त्रिघाती, क्या हो जाएगा, त्रिघाती। अभी देखो अगर पद गिनेंगे तो कितना होगा, देखो एक दो तीन चार, तो क्या चीज होगा, चतुर्थ पदी बहुपद हो जाएगा ना, पद के अनुसार चार गो पद आगे में, और कितना घात के अनुसार तीन ही है, क्या है। अगर मान लगे इसको व्यापक रूप में लिखेंगे त्रिघाती को, ऐसे लिख सकते हैं कैसे, पी एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी। ये त्रिघाती पद हो गया, जो यहाँ देखो एक गुणांक कितना है, तीन है ना, बी गुणांक दो, एक दो तीन चार को नहीं हुआ, देखो एक दो तीन चार, देखो तीन तक है और आगे चल जा सकता है। तो यहाँ जो है दसवां में इतना ही तीन तक पढ़ना है ना, अगर आगे जाइएगा क्लास में अगर आओ तो वहां मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए, हाँ काल्पनिक संख्या उसमें मिलेगा, ढेर सारा रहेगा, हम तक चल जाएगा वहां तो एक हजार दो हजार तक पावर में, तो उसमें फॉर्मूला आता है, इसमें आयोटा आता है, फिर उसमें ओमेगा आता है, इससे बनता है वहां पे, तो वहां पर अलग है। यहाँ पर आपको तीन तक पढ़ना है ना, अधिकतम किचन आता है क्या चीज, द्विघात से आता है, किसे, द्विघात बहुपद से। त्रिघात में आता है आपसे भागा देने के लिए पूछ देगा, या पूछे भागा देने के इसमें शून्य कौन है, इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या चीज, अभी थ्योरी चल रहा है ना, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि कौन द्विघाती बहुपद है ना, ना बोलते हैं जैसे मान लो कौन मिंटुआ बहु है, कौन मंटुआ बहु है, पहचान रहे हैं, शादी भी जाते हैं ना पहचानते ना, बहु बहु मतलब होता ना, बहु किसे कहते हैं, अरे बहु किसे कहते हैं, ले अरे बहु 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 ले ले, हम कहते बहु किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं मंडुआ बहु है ना, जैसे मम्मी जैसे हो गया तो मम्मी की क्या चीज, मम्मी पतो क्या कहलाएगी, बहु है ना कहलाएगी, हाँ तभी के बहु क्या रही सब आ रही सब, क्या जी फाइव जी वाला है ना। तो गाना सुना दे, गाना सुनो सुना ना, कि अपना माई के कदम आना हम बनाई में नहीं खाना, अपना माई के कदम आना हम बनाई में नहीं खाना, तोहरे चलते बानी चुप ना तो रोजे हो ये झगड़ा, के पिया हो तू तो बुझल हमके रानी नियन, ये बुढ़िया बुझे नौकर रानी नियन ना, के सुबह शाम मारे थान के सुबह शाम मारे ताना, पिया हो चल जाए हम थाना, के सुबह शाम मारे ताना, पिया हो चल जाए हम थाना, कि रउआ बुझल हमके रानी नियन, तो मैया बुझे नौकरानी नियन ना। तो क्या चीज है, अभी के पत्तो सब ऐसे करते हैं, तो क्या चीज है, बहुपद है ना। चलिए आगे उन जानते हैं इसको, नहीं आगे देखेंगे।